हेलो प्यारे साथियों, आप लोगों का क्लास 10th ओवर हो चुका है। हालांकि आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जैसा आपका प्रॉपरली एग्जाम होना चाहिए और एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए और उसके बाद आप क्लास 11th में आते, वैसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है। सभी समझते हैं इस चीज को, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हो। और एग्जाम हो या ना हो, मेरा मानना है कि जो सिंसियर बच्चे होते हैं, जो ऑनेस्ट बच्चे होते हैं, वो हमेशा मेहनत करते हैं। वो सिर्फ एग्जाम के लिए मेहनत नहीं करते, वो नॉलेज के लिए मेहनत करते हैं। और जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वास्तव में एक्चुअल में नॉलेज के लिए मेहनत किया है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ फर्क पड़ा होगा कि एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ है। उनके नॉलेज के लेवल में कहीं भी कोई भी चेंज नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ओके, तो बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर, नाम है आदित्य शंकर रमन। ओके, 8 ईयर्स एक्सपीरियंस है मेरा। ओके, और अगले 2 सालों तक हम और आप मिलकर के फिजिक्स पढ़ेंगे। मैं बार बार आपको एक ही चीज कहता हूं कि हम और आप मिलकर के पढ़ेंगे फिजिक्स। और जब हम और आप मिलकर के फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं बेटे कि आप में से जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने नीट को ऑप्ट किया है, आप नीट एस्पायरेंट बनना चाहते हैं, तो एक चीज मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अगर नीट सेलेक्ट किया है तो किसी चीज से डर करके नहीं किया है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे बच्चे नीट सिर्फ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उनको मैथ से डर लगता है, वो जेई नहीं पढ़ सकते, इसलिए चलो नीट पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारे इस बैच में ऐसे बच्चे नहीं होंगे जिनको मैथ से डर लगता है। बेटे, अगर आपको मैथ से डर लगता भी है, ठीक है, तो ये एक फोबिया है, यहां पर है डर, और कहीं पे नहीं है। ठीक है, अगर आप यहां से इस चीज को हटा दोगे तो आपको मैथ से जरा भी डर नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको जितनी मैथ्स की जरूरत है, ठीक है, आपको जितनी मैथ्स की जरूरत है, वो आपको आगे नहीं पढ़ना है, वो आपने पीछे ही पढ़ा है। अगर आपने 9th पास किया है, अगर आपने 10th पास किया है, तो इसका मतलब है कि आपने उतनी मैथमेटिक्स पढ़ रखी है। अरे भैया, जो आप पढ़ लिए हो उसमें डर कैसा? आपको आता है, तभी तो आपने पढ़ा है, तभी तो आपने 9th पास किया, 10th पास किया, और अब आप क्लास 11th में हो। तो अगर इस जगह पर कोई भी ऐसा बात है कि मैथमेटिक्स से हमें डर लगता है, मैथमेटिक्स से डर लग रहा है, इसलिए हम नीट में जा रहे हैं, तो इस चीज को हटा दो। ठीक है, कि हमें मैथ से डर लगता है, इस चीज को हटा देना है। ठीक है, उसके बाद जब आप अपने पूरे मन से नीट को फॉलो करोगे, पूरे मन से जब आप नीट में एडमिशन लोगे और यहां पे बिठाओगे कि हाँ मुझे नीट करना है, किसी के डर से नहीं करना है, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा सोच करके पॉजिटिव माइंड के साथ स्टार्ट करना है, किसी भी नेगेटिव माइंड के साथ स्टार्ट नहीं करना है। क्योंकि हम कोई भी काम अगर नेगेटिव माइंड से स्टार्ट करें, हम उसमें सक्सेस नहीं हो सकते हैं। पॉजिटिव माइंड से स्टार्ट करना है। ठीक, तो बेटे, इसके बावजूद भी अगर कुछ 2-4 बच्चे रह जाते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बातें सुनकर के 95% बच्चों के मन से मैथ का जो डर है वो हट चुका होगा। और अगर 2-4-5 बच्चों को रह भी जाते हैं, तो बेटे, हम आपको उम्मीद दिलाते हैं, हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले जो कुछ दिनों, 15-20 दिन जो हम बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर्स पढ़ेंगे, है ना, उसमें आपका ये जो थोड़ा बहुत डर रह भी गया है वो भी समाप्त हो जाएगा, इसकी पूरी गारंटी देते हैं हम। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी जो है वो हम आपके दिमाग में रहने नहीं देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बेटे, नीट ऑप्ट किया है इसका मतलब आपने साइंस ऑप्ट किया है। ठीक है, आपने एक मीम सुना होगा, एक जोक हमेशा चलता रहता है कि भैया, मजाक मजाक में हमने साइंस तो ले ली, लेकिन अब साइंस हमारी मौज ले रहा है ना। ऐसी मीम्स अक्सर आते हैं, है ना, ऐसे मजाक, ऐसे जोक्स हमेशा बनते हैं। ठीक है, तो बेटे, मैं इसके लिए कहना चाहता हूं कि ये प्योरली और कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि आप कैसे इसको पढ़ते हैं, ठीक है? आप साइंस के मजे लेना चाहते हो या साइंस आपकी मजे लेगा, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आने वाले 2 साल आप कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? अगर आप ये आने वाले 2 साल सही ढंग से प्रॉपर फॉलो अप के साथ, प्रॉपर रूटीन के साथ, टीचर्स को फॉलो करते हुए, गाइड लेते हुए अगर आप पढ़ेंगे, तो 100% गारंटी है कि आप साइंस के मजे लोगे, और इसके अलग रूट पे जो चलेगा, इसके अलग रास्ते पे जो चलेगा, उसकी साइंस मौज लेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मीम में जो बातें होती है, जोक्स में जो बातें होती है, वो वैसे बच्चों के लिए है जो अपने टीचर को फॉलो नहीं करते, जो पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते, जो एवं आ गए हैं, ठीक है? जो डिटरमाइंड है, जो अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, लेबोरियस हैं, हार्ड वर्किंग है, वो साइंस के मजे लेगा, साइंस उसकी मजे नहीं लेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ओके बच्चों, तो हम किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को हटाते हुए पॉजिटिव माइंड के साथ आज से शुरू करेंगे हम अपना क्लास 11th। आज के लेक्चर को मैंने नाम दिया है वेलकम क्लास। क्यों? क्योंकि आज मैं आपका वेलकम करता हूं आपके 2 साल की नई जर्नी में। आने वाले 2 साल की जो जर्नी है, उसमें हम और आप मिलकर के आपके सपनों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उस आपके सपने में हमारा जो भी थोड़ा बहुत योगदान होगा, है ना, जो भी हमसे एक्सपेक्टेशन है, हम जितना आपके लिए कर सकते हैं, उसको पूरा करने की 100% कोशिश करेंगे। उससे भी ज्यादा अगर कुछ परसेंटेज होगी तो हम वो भी करेंगे, बट अल्टीमेटली मेन जो मैटर करता है वो है आपकी सिंसेरिटी, आपकी कंट्रीब्यूशन, आप कितना पार्टिसिपेट करते हो, आप कितना टीचर के साथ घुलते हो, आप कितना टीचर के साथ कम्युनिकेट करते हो, कैसे आप अपने प्रॉब्लम्स को टीचर्स के साथ शेयर करते हो, ये सारी बातें डिसाइड करेगी कि आप इस 2 साल के बाद क्या बनने वाले हो। आप जिस सपने को लेकर के आए हो, आप जिस सपने को लेकर के चलना शुरू किए हो, वो सपना सपना ही रहेगा या फिर वो हकीकत बनेगा, ये 2 साल में डिसाइड होने वाला है। 2 साल के बाद आप एक सिंपल 12th पास आउट स्टूडेंट बन के जाते हो, या फिर इस 2 ईयर्स के बाद आप एक डॉक्टर बन के जाते हो, किसी बढ़िया मेडिकल कॉलेज में जाते हो, किसी बड़े मेडिकल कॉलेज से आप डिग्री लेने का जो सपना है वो आपका पूरा हो पाता है, ये पूरा डिपेंड करता है ये 2 साल। क्लियर है मेरी बातें? ठीक है बेटे, तो आज हमने जो अपने क्लास का नाम दिया है वेलकम क्लास, उसका मोटो यही है कि मैं आप सबका वेलकम करना चाहता हूँ रोटरी स्कूल में और हमारे नीट सेक्शन में। नीट का जो शुरुआत है, नीट एग्जाम की जो प्रिपरेशन की शुरुआत होती है, वो हम आज से शुरू करेंगे, ठीक है? ओके बच्चों, तो बेटे मैं, जैसा मैंने आपको बताया, मैं हूं आदित्य शंकर रमन और मैं आपको सिखाऊंगा फिजिक्स, ठीक है? तो फिजिक्स सिखाने से पहले मैं ये सिखा देना चाहता हूं कि फिजिक्स है क्या, है ना, फिजिक्स है क्या। तो बेटे मैं पहले भी, अगर मुझसे कुछ स्टूडेंट्स पढ़े होंगे, हो सकते हैं कुछ मेरे ही अपने स्टूडेंट्स हो जिन्हें मैंने क्लास 9th में, क्लास 10th में पढ़ाया है, तो उनको जरूर पता होगा कि मैं कभी भी फिजिक्स शुरू करता हूं तो मैं ये इंट्रोडक्टरी चीजें जरूर बताता हूं, ठीक है? क्योंकि जब भी शुरू करें तो 0 से शुरू करें, फाउंडेशन से शुरू करें, और जब हम फाउंडेशन से शुरू करेंगे तो पीक तो हम हासिल कर ही लेंगे, ठीक है? एपेक्स हमारा जरूर आएगा, सफलता के शिखर तक हम जरूर पहुंचेंगे, ठीक है? तो शुरुआत करेंगे 0 से और पहुंचेंगे शिखर तक, शून्य से शिखर का शुरुआत होता है आज से। ओके बच्चों, तो हम बात करने वाले हैं कि फिजिक्स आखिर है क्या। फिजिक्स, ओके बेटे, तो अगर मेरे बच्चे हैं उनको पता होगा कि फिजिक्स क्या चीज है, तो आपके मन में चल रहा होगा बहुत सारी बातें, ठीक है? तो बेटे फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है, जैसा आपको पता है, आपने आपने साइंस ऑप्ट किया है, आप साइंस के स्टूडेंट हो,
तो साइंस में आपने चाहे पीसीएम ग्रुप लिया हो, चाहे आपने पीसीबी ग्रुप लिया हो, ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप नीट के बच्चे हैं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, साइंस के ब्रांचेस कहलाते हैं, ठीक है। तो उनमें से ही एक ब्रांच है हमारा फिजिक्स। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, फर्स्ट थिंग। इस ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? तो बेटे फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली नेचर, अपने चारों तरफ की चीजें, नेचर और उससे जुड़ी हुई घटनाओं, उससे जुड़ी हुई फेनोमेना, उससे जुड़ी जुड़ी हुई जो फेनोमेना है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, नेचर सुनते ही क्या होता है, एक खुशनुमा एहसास होता है ना, क्योंकि हम नेचर के बीच ही रहते हैं, हमारे चारों ओर जो भी चीजें घटती है वो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक प्रकार की क्यूरियोसिटी देता है, क्यूरियोसिटी देता है, सॉरी। हाँ, तो बेटे हम जब बचपन से धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमें बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो एकदम से अपने को क्या करता है, आश्चर्य से भर देता है ना, अपने मन में क्यूरियोसिटी भर देता है, हमें उसको जानने की इच्छा होती है। हम धीरे धीरे जान भी जाते हैं लेकिन हम उसके पीछे का रीजन नहीं जान पाते, हम उसके पीछे का फिजिक्स नहीं जान पाते, हमको पता है ये हो रहा है लेकिन उसके पीछे एक वजह क्या है वो नहीं जान पाते, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कभी प्रैक्टिकली जानने की कोशिश नहीं किए, हमने उसको कभी लिंक करके नहीं देखा, ठीक। तो अब से जो हम पढ़ने वाले हैं, अब से जो हम पढ़ेंगे, तो हमारे जो चारों ओर की चीजें हो रही है हम उससे कनेक्ट हो पाएंगे, लिंक हो पाएंगे, हमें कुछ भी याद नहीं करना है, हमें पहले से सब कुछ पता है, हमें बस क्या करना है, हमें जानना है कि उसके पीछे क्या है, उसके पीछे फिजिक्स कैसे है, अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे फिजिक्स कैसे हो रहा है ये हमें पता है, ठीक है, हमेशा होता है, बस हमें ये पता बताना है, हमें ये जानना है कि उसके पीछे फिजिक्स कैसे काम कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बोला कि नेचर और नेचर से जुड़ी हुई घटनाएं, तो बेटा आप नंबर ऑफ एग्जांपल्स बोल सकते हो कि फिजिक्स में क्या क्या चीज, मतलब नेचर में क्या क्या चीजें हो रही है। तो जैसे कि आप देखते हो भाई, नेचर में सुबह होती है, शाम होती है, दोपहर होती है, ठीक है। जब सुबह होती है ना, जब, तो सबसे पहला देखो, सुबह होती, शाम होती, इससे बेसिक कोई चीज हो सकती है? नहीं हो सकती। तो भाई हर दिन सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती, शाम होती, किसके वजह से? तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, है ना, अर्थ जो है हमारा वो अपनी एक्सिस पे क्या होता है, घूमता है ना, और 24 घंटे में एक चक्कर वो लगा लेता है, उसके वजह से हमें क्या होता है, दिन और रात होता है, हो गया भाई फिजिक्स, ठीक। आप देखते हो भाई कि मौसम बदलता है, अब अभी बरसात का सीजन आने वाला है, फिर ठंडी की सीजन आएगी, फिर गर्मी का सीजन आएगा, विंटर समर ऐसा करके आते रहता है बेटा, उसके पीछे भी क्या है, फिजिक्स है ना। क्यों? क्योंकि हमारा सन क्या होता है, हमारा अर्थ क्या होता है, सन के चारों तरफ घूमता है, 1 ईयर 365 डेज में एक चक्कर पूरा करता है, उसके वजह से साल बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, ठीक है, हो गया भाई फिजिक्स। हाँ, इससे बेसिक कुछ हो सकता है? और चलिए और एग्जांपल दे देता हूं मैं, सुबह सुबह जब आप उठते हो, सूरज को देखते हो, कितना खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, क्यों? लालिमा भरी होती है, एकदम लाल दिखता है आपका सन, है ना, एकदम बड़ा लाल, रेड हॉट, एकदम ऐसा दिखता है ना, सूरज की जो असली कलर है ना, वो आपको सुबह सुबह, उसकी जो असली खूबसूरती है वो आपको सुबह सुबह देखने को मिलता है कि नहीं बेटे? सिमिलरली इवनिंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पर भी उसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। आप देखो कहीं पर घूमने जाते हो, जो बड़े बड़े प्लेसेस होते हैं वहां पर एक एक ऐसा पॉइंट होता है, सनसेट पॉइंट करके, है ना, सनसेट पॉइंट करके पॉइंट होता है जहां लोग बड़ी संख्या में देखने जाते हैं। हाँ, कितनी खूबसूरत होती है वो। तो सनराइज के समय, सनसेट के समय आप देखो आपका जो सन है वो कैसा दिखता है, एकदम रेड हॉट दिखता है, लाल दिखता है, बट वही चीज दोपहर के समय, बाकी दिन के समय ऐसा रेड नहीं दिखता, सफेद दिखाई देता है। वाई सो?
तो बेटे इसका भी रीजन किसके पास है, फिजिक्स के पास है, और आपको भी पता है क्लास टेंथ में आपने पढ़ा है ना बेटा, क्लास टेंथ में आपने पढ़ा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, सॉरी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही ऐसा होता है ना, क्यों? क्योंकि सनराइज के समय और सनसेट के समय क्या होता है, वो हमसे सन की जो डिस्टेंस होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और उसमें से जो रेड लाइट होता है, रेड लाइट उसकी स्कैटरिंग कम होती है, तो वो रेड लाइट हम तक पहुंच पाती है, बाकी रास्ते में डाई आउट हो जाते हैं, इसलिए बाकी कलर्स दिखते नहीं हमें, हमें रेड दिखाई देता है। तो देखो ये भी हो गया हमारा फिजिक्स, ठीक है। तो आप जो भी आसपास की चीजें देखते हो, आप देखते हो भाई कि कभी तेज हवाएं चलती है, जैसे आजकल चल रहा है तूफान आया हुआ है ना, क्या तो नाम है तूफान का, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग। तो भाई तूफान आया हुआ है, क्यों तूफान आया हुआ है, तूफान आने की वजह क्या है? तो बेटा क्या होता है, कभी किसी प्लेस पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है ना, कहीं पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, जहां हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक है ना, लो प्रेशर एरिया वाले प्लेस को भरने के लिए चलता है, भागता है, जब है ना, जब एयर एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, वही तो विंड बन जाता है, जितनी तेजी से जाएगा वो उतना बड़ा तूफान कहलाएगा। तो उसके पीछे भी क्या रीजन है बेटा, फिजिक्स ही रीजन है। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोल लो, रात को चलो, दिन की बातें कर ली हमने, रात की बातें करते हैं। रात में अगर आप कभी छत पर सोए हो, आप आकाश की तरफ देखो, स्काई को देखो, बहुत ही सुंदर दिखता है ना, आप स्काई में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, हालांकि वो बहुत बड़ी है लेकिन आपको छोटी छोटी दिखाई देती है ना बेटे। तो अगर उन सबको आप देखो है ना, अगर आप उन सब चीजों को देखो तो कुछ स्टार्स नजर आते हैं, और भी अदर अदर चीजें नजर आती हैं, वो स्टार्स आपको ब्लिंक करते हुए नजर आते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की वजह क्या है भाई, उसकी भी वजह फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, आपको फिजिक्स में सिखाया जाता है, आपने क्लास टेंथ में पढ़ा है ना, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार्स क्या होते हैं, ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। आ रही बात बात बेटे समझ में, क्लियर है मेरी बात? तो ऐसे अनगिनत अनगिनत सवाल जो आप डेली देखते हैं, डेली समझते हैं है ना, उसको आप फिजिक्स के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना बेटे, है ना मजेदार चीज। और ले लो भाई, और एक जो मैं कहता हूं कि नेचर में अगर आप सबसे खूबसूरत चीज देखने को मिलता है आपको, तो वो है रेनबो, है ना। रेनबो जब बनता है तो कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, उसके चेहरे पे खुशी आ ही जाती है ना। तो कब बनती है भाई रेनबो? रेनबो बनती है जब बारिश के साथ धूप होती है, तो आपको रेनबो दिखाई देता है, होता है कि नहीं, ठीक है। तो वो कितना खूबसूरत होता है, उसके पीछे भी रीजन क्या है भाई, तो फिजिक्स है। ये भी आपने क्लास टेंथ में ही पढ़ रखा है ना, कि इसके पीछे क्या रीजन होता है, डिस्पर्शन और है ना क्या क्या, तीन चीजों का वो कंबाइंड इफेक्ट है, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये भी फिजिक्स है भाई, है ना, ये भी फिजिक्स है। तो बेटे फिर आप आवाज सुनते हो है ना, साउंड सुनते हो, उसके बिना साउंड के आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते है ना, वो भी आपका क्या है, फिजिक्स है। आप देख पाते हो है ना, चीजों को देख पाते हो, आपको ये जो दुनिया इतनी खूबसूरत लगती है, कलरफुल लगती है, ये कलरफुल वर्ल्ड है, अरे दुनिया कितनी रंग बिरंगी है, ऐसा हम कहते हैं ना, उसके पीछे भी रीजन क्या है भाई, लाइट, विदाउट लाइट आप ये सारी चीजें देख नहीं पाते है ना। आप देखो मेडिकल मेडिकल फील्ड जो है आपका, मेडिकल फील्ड है ना, तो मेडिकल फील्ड में हम एक से एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एक्सरे मशीन यूज करते हैं, ठीक है, एमआरआई मशीन यूज करते हैं, इतना एडवांस मशीन वगैरह मशीनरी हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, सारे के सारे है ना किस पर बेस्ड होते हैं, फिजिक्स पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सबसे मजेदार सब्जेक्ट है, क्योंकि इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले से पता होता है, सिर्फ आपको ये नहीं पता कि इसके पीछे फिजिक्स कैसे काम कर रहा,
हो रहा है ये आपको पहले से पता है, रेनबो फॉर्म होता है, ये मैंने आज नहीं बताया आपको, क्लास टेंथ में नहीं पता चला आपको, आप बचपन से जानते हैं। सूरज पूरब, सूरज जो है ईस्ट से राइज करता है, वेस्ट में सनसेट होता है, ये मुझे मैंने आपको आज नहीं बताया है, ये पहले से पता है, बट इसके पीछे फिजिक्स है, ये शायद अभी पता चला होगा। हम वॉक करते हैं, हम जमीन पर वॉक करते हैं, तो कैसे वॉक करते हैं भाई, हम अपने जो पीछे के पैर होते हैं उससे हम जमीन को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो जमीन हम पर क्या लगाता है, रिएक्शन लगाता है, और वो रिएक्शन हमें चलाता है, ठीक है। तो इसके पीछे भी क्या है, फिजिक्स है। तो हम सारी चीजें पहले से जानते हैं, हमें आने वाले 2 सालों में क्या करना है, सिर्फ ये जानना है, सिर्फ आपको ये बताना है मुझे कि हाँ बेटा ये जो चीजें हो रही ना उसके पीछे फिजिक्स है, उसके पीछे फिजिक्स काम कर रहा है, और कुछ नहीं करना है मुझे, मुझे कुछ भी आपको याद नहीं कराना है, ठीक है। तो बिंदास होकर के पढ़ोगे, मजे लेकर के पढ़ोगे, और आप बोलोगे कि फिजिक्स से इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता, फिजिक्स से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता, ओके। बस बस इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ चलना है, ठीक है। आप और हम दोनों जब साथ साथ चलेंगे, ठीक है, कभी भी एक भी लेक्चर आपको मेरे से पीछे नहीं रहना है, आपको साथ साथ चलना है। अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे, आपको कभी भी फिजिक्स में बैकलॉग नहीं रहेगा, कभी भी फिजिक्स में आपको सोचने की जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। बट शर्त बोलते ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है, वो ये है, मुझे आपको मेरे साथ चलना है, मेरे पीछे पीछे नहीं चलना है, मेरे साथ चलना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको अपना स्टूडेंट नहीं मानता, मैं आपको अपना साथी मानता हूँ, फ्रेंड्स मानता हूँ, आप नन्हे फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है। आपको मेरे साथ चलना है और हम साथ चल करके अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, मैं आपको मंजिल तक पहुंचा करके वहीं रह जाऊंगा, आप आगे बढ़ जाओगे, है ना, अपने लाइफ में बहुत आगे, ठीक है। तो बेटे इस डिस्कशन से हमने एक चीज सीख लिया कि फिजिक्स है क्या, है ना, क्या है बेटा फिजिक्स, तो वी कैन से इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड इट्स नेचुरल फेनोमेना, दिस इज फिजिक्स, क्लियर है बेटा। अब फिजिक्स एक छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। फिजिक्स को हम क्या करते हैं, फर्दर कई छोटे छोटे ब्रांचेस में बांट देते हैं, ठीक है, जैसे कि एक है बेटा मैकेनिक्स है, ठीक है, दूसरा है ऑप्टिक्स है, ठीक, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ऐसे फिजिक्स को हम क्या करते हैं, फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेस में बांट देते हैं, ठीक है, जिसको हम इन आने वाले 2 साल में बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बारी बारी से हम इसको पढ़ने वाले हैं, क्लास 11th एंड क्लास 12th में बांट करके। क्लास 11th में आपके ऑलमोस्ट 15 चैप्टर्स हैं, क्लास 12th में भी ऑलमोस्ट आपके 15 चैप्टर्स हैं, ठीक। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट बात एक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि क्लास 11th जो है वो तो एवं ही है, ठीक है, उसका ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं होता,
बट ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है, मिसकंसेप्शन है। 11th बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं जानता, मैं फिजिक्स का जानता हूँ। ठीक है, जो बच्चे मेरे पास 9th 10th से पढ़े हैं उनको पता है, उनको पता चल चुका होगा कि हमने जो 9th में पढ़ा था वो हम आज 11th में पढ़ने वाले हैं, हमने जो 10th में पढ़ा था वो हम अब 12th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चीजें लिंक्ड होती है बेटा। ठीक है, ये दोनों अलग नहीं है, हम जो बचपन से आज तक पढ़ते आए हैं वो एक एक सीढ़ी है ना। किसी भी एक सीढ़ी को निकाल करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसी तरीके से है ना, आपका 9th भी इम्पोर्टेंट था, आपका 10th भी इम्पोर्टेंट था, आपका 11th भी इम्पोर्टेंट है, आपका 12th भी इम्पोर्टेंट होगा। आ रही बात समझ में? प्लस चलो, ये तो बात हुई डायलॉग बाजी। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो ये सच है कि क्लास 12th के बोर्ड में आपका 11th का पार्ट नहीं आता। लेकिन क्या आप 12th पास करने आए हो? नहीं ना, 12th पास थोड़ी करने आए हो, आपको नीट करना है। तो क्या नीट में 11th नहीं है? नीट में 11th भी है और 12th भी है, और कहीं भी कोई कमी नहीं है। 11th के भी ऑलमोस्ट 50% पार्ट रहेंगे, मतलब 50% मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 11th के होंगे एंड 50% मार्क्स के क्वेश्चन 12th के होंगे। व्हाट डज दैट मीन? कि 11th और 12th का जो वेटेज है वो बराबर है आपके एग्जाम में। तो जब बेटा 11th और 12th के वेटेज वहां बराबर है, तो क्या आप 11th को छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। जैसा कि आपको पता है कि आपके नीट एग्जाम में है ना फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस होंगे, उस 45 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट 22 से 23 सवाल जो हैं आपके 11th से, या 22 या 23 सवाल 12th से होंगे, है ना। तो ऑलमोस्ट इक्वल पोर्शन रहते हैं, तो आप 11th को मिस करने की भूल तो बिल्कुल करना ही मत। ठीक है, एकदम नहीं भूल करना है। ओके, एक बात समझ में आ गई। प्लस बेटे, ये तो रहा कि वेटेज क्या है। प्लस 11th के बिना आप 12th पढ़ ही नहीं सकते। अगर आपने 11th मिस किया, 11th के एक सिंगल चैप्टर भी अगर आपने छोड़ा, तो आप 12th के चार पांच चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, ऐसा है। ठीक है, तो 11th की चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ा, तो 12th आपके लिए भयंकर इजी हो जाएगा, भयंकर इजी। लेकिन अगर 11th आपने ढिलाई की, अगर आपने 11th ढिलाई की, तो 12th आपके लिए वो कहते हैं ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, ऐसा ये कंसेप्ट है बेटा। तो आप 11th में दम लगाओ, 12th आपको इजी हो जाएगा। 11th में आराम करो, 12th आपका दम निकाल देगा। ठीक है, तो 11th में बिल्कुल भी आपको पहली क्लास से ही फुल एनर्जी के साथ भागना है, जरा सा भी रेस्ट नहीं, कोई आराम नहीं। ठीक, फुल एनर्जी के साथ आपको फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक रहना है मेरे साथ। ठीक है बेटे, तो आपको इम्पोर्टेंट समझ में आ गया होगा कि 11th क्लास कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। अच्छा बेटे, अगर आपको मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं, है ना, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? आ रही होगी। हालांकि मैं मानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे मराठी स्पीकिंग होंगे, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट जो है ना, मोस्ट ऑफ द नहीं बोलूंगा, बल्कि 100% बोलूंगा, सबको हिंदी समझ में आती है, मुझे मराठी नहीं आती। ठीक है, इसलिए मैं मराठी नहीं बोल सकता, मैं हिंदी बोल सकता हूं और आपको हिंदी समझ में आती है। अगर सोचो कि आपको मराठी के अलावा कुछ नहीं आता और मुझे हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता, तो क्या मैं आपको कुछ समझा पाता? क्या मैं आपको कुछ सिखा पाता? ये तो बिल्कुल कतई भी नहीं हो सकता था, कतई भी नहीं हो सकता था। ठीक है, आज मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो, इसके पीछे रीजन क्या है कि एक ऐसा लैंग्वेज है जो मुझे भी आता है और आपको भी आता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज होना जरूरी है।
अगर ये लैंग्वेज नहीं होगा तो हम जो बोल रहे हैं वो आप समझ नहीं पाओगे और हम बोल भी नहीं पाएंगे, हमें लैंग्वेज नहीं आती हम बोल नहीं पाएंगे, है ना। जैसे मराठी मुझे नहीं आती मैं बोल नहीं सकता, और अगर आपको हिंदी नहीं आती आप समझ नहीं पाते, तो लैंग्वेज इज दैट मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो किसी भी कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए और समझाने के लिए लैंग्वेज बहुत जरूरी चीज होता है। तो सिमिलरली बेटा, सिमिलरली फिजिक्स जो है, फिजिक्स उसकी भी अपनी एक भाषा है, उसकी भी अपनी एक लैंग्वेज है। अगर वो लैंग्वेज मुझे आती है इसलिए मैं उसको पढ़ा पाता हूं, अगर वो आपको आएगी तो ही आप पढ़ पाओगे, तो ही आप उसको समझ पाओगे, तो ही आप उसको लिख पाओगे। तो ये लैंग्वेज कितना जरूरी है किसी भी चीज को समझने या समझाने के लिए। फिजिक्स को भी समझने या समझाने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत है, और वो लैंग्वेज क्या है आपको पता है? मैथ, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को कहा जाता है कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये बात जितनी जल्दी और जितनी गहराई के साथ आपके दिमाग में बैठ जाएगा आपके लिए फिजिक्स उतना आसान होगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये बात आपके दिमाग में जितना जल्दी बैठ जाए उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। मैथमेटिक्स, ये क्या बात हुई सर, जिस चीज से भाग रहे थे वही पीछे पड़ गया। तो बेटे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आपको कि ये मैथमेटिक्स कोई ऐसी मैथमेटिक्स नहीं है जो आप जानते नहीं, हमें उतनी मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, हमें उतनी ही मैथमेटिक्स चाहिए जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है। वो तो कोई टफ नहीं था सर, कितने बच्चे हैं जिनको 9th और 10th की मैथमेटिक्स हार्ड लगी होगी, नहीं कोई नहीं होगा। ठीक है, उसमें भी पूरा 9th 10th नहीं चाहिए मुझे, थोड़ी चीजें चाहिए भैया, थोड़ी चीजें मुझे, सिंपल कैलकुलेशन चाहिए। आपको टेबल आता है, आपको टेबल आता है 1 to 20 सफिशियंट है, आपको स्क्वायर करना आता है 1 to 20 30 तक सफिशियंट है, आपको क्यूब करना आता है 1 to 20 30 तक सफिशियंट है। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है सफिशियंट है, आपको सीरीज आती है एपी सीरीज जीपी सीरीज सफिशियंट है। ठीक है, आपको ट्रिगोनोमेट्री आती है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सफिशियंट है। आपको अलजेब्रा आता है सफिशियंट है, आपको क्या बोलते हैं मेंसुरेशन आता है, सर्कल का स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल एरिया निकालना वॉल्यूम निकालना ये सब आता है सफिशियंट है। ठीक है, तो हमें कोई ऐसी मैथमेटिक्स नहीं चाहिए जिससे कि हम रॉकेट चला सकें, है ना, हमें रॉकेट नहीं चलाना है। ठीक है, हमें रॉकेट नहीं उड़ाना है, हमें इसरो में नहीं जाना, हमें भाभा में नहीं जाना है। ठीक है, हमें डॉक्टर बनना है, बस उतने के लिए हमें उतना ही मैथमेटिक्स चाहिए जो आपने क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ा है। तो बिल्कुल भी मत घबराना कि मैथमेटिक्स से पीछा छुड़ाए थे और यहाँ भी मैथमेटिक्स आ गया। ठीक है, तो बेटे मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि 9th और 10th की मैथमेटिक्स आपको पूरी तरीके से रटी रटाई होगी, क्योंकि आपके मैथमेटिक्स के टीचर मुझे पता है बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, और आप यहाँ हमारे स्कूल से तो भाई हर साल 2-4 बच्चे तो आउट ऑफ जाते ही जाते हैं, इस बार भी एग्जाम होता तो कम से कम 10 बच्चे आउट ऑफ जाते ही जाते हैं। जब जहां पर इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं, इतने अच्छे स्कोर करते हैं मैथमेटिक्स में, तो उनके लिए फिजिक्स की मैथमेटिक्स तो कुछ भी नहीं है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, जरूरी है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी ही है, लेकिन जरूरी है, उतना ही आपको मास्टरी करना है और काम खत्म हो जाए। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ये चीज हमने बोला आपको। तो भैया फिजिक्स पहले पढ़ना है कि पहले उसका लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा? फिजिक्स तो हम बाद में पढ़ेंगे भाई, जब हम उसके लैंग्वेज को समझ पाएंगे तब ना हम समझ पाएंगे। अरे भाई अगर मुझे
अगर मुझे कुरान पढ़नी है तो पहले कुरान पढ़ने से पहले मुझे उनका लैंग्वेज उर्दू जानना चाहिए, है ना। मैं उर्दू जानूंगा तो मैं वो कर पाऊंगा, मुझे अगर, है ना, तो वो चीज मुझे जाननी चाहिए ना, वो लैंग्वेज मुझे आनी चाहिए ना, तब हम उसको, उसके कल्चर को समझ पाएंगे, उसके स्क्रिप्ट्स को समझ पाएंगे, है ना। सिमिलरली अगर मुझे फिजिक्स जानना है तो उसके पहले मुझे उसका लैंग्वेज जानना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो मुझे उसका लैंग्वेज जानना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया मैथमेटिक्स जानना ही पड़ेगा, और जानेंगे सर, हमें आता है सर, आप बस पूछो सर, ठीक है, ऐसा ही है। हाँ ऑब्वियसली, जैसे जैसे मैं नाम लेता चलूंगा आप बोलोगे हाँ सर ये आता है, ये भी आता है, ये भी, एक दो चीजें ऐसी निकलेंगी जो आपको नहीं पता है, वो हम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ मैथमेटिक्स सीखना जरूरी है, सीखना नहीं है, बेसिकली ब्रश करना है उसको, पॉलिश करना है, पता है मुझे, पॉलिश करना है उसको बस, और भी, और इसमें कुछ है ही नहीं। हरी बात समझ में बेटे? तो ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि सर कितना मैथमेटिक्स, कितना जानना है। तो बेटे मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, उतना ही जानना है, और वो हम आने वाले 12 14 15 दिन में कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको हम सिखा देंगे, चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें पढ़ना हमें। तो बेटे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा, ठीक। देन हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा बेसिक अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे, बेसिक अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे बेटे हम लोग बेसिक अलजेब्रा में, अलजेब्रा, देन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देन पढ़ेंगे सीरीज, एंड देन पढ़ेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल एक्सपांशन, ठीक है। ये चार चीजें हम लोग बेसिक्स, बेसिक अलजेब्रा में सीखेंगे, ठीक है बेटे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक अलजेब्रा के बाद एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक चीजें सीखेंगे, है ना, सारे रेशियोज सीखेंगे, उसकी वैल्यूज निकालना सीखेंगे, उसके जो कुछ फॉर्मूले हैं वो सारी चीजें सीखेंगे जो आपने बेसिकली पढ़े हुए हैं पहले से, ठीक है। ये सेकेंड हो गया। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस, कैलकुलस। अब कैलकुलस में क्या सीखने वाले हैं, कैलकुलस में दो चीजें होती हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड दूसरा होता है बेटा इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये हो गया कैलकुलस। एंड इसके बाद थोड़ी सी पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक। और पढ़ेंगे हम लोग बेसिक्स ऑफ ग्राफ, बेसिक्स ऑफ ग्राफ, ठीक है, बेसिक्स ऑफ ग्राफ। एंड देन पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ, बेसिक्स ऑफ लॉग, लॉगरिदम, ठीक, बेसिक्स ऑफ लॉगरिदम। एंड देन फाइनली वेक्टर, वेक्टर। तो ये सात चीजें अपने को सीखना है, ठीक है बेटे, ये सात फंडामेंटल चीजें, बेसिक चीजें अपने को ये बेसिक मैथमेटिक्स में सीखना है, ठीक है बेटे। तो फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको उसका लैंग्वेज जानना है, और उस लैंग्वेज के ये सात कंपोनेंट हैं,
ये सात कंपोनेंट बारी बारी से हम लोग सीखेंगे, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे बेसिक्स अलजेब्रा, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा से, ठीक है। तो बेटे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज था हमारा इंट्रोडक्शन, है ना। हमने, हालांकि अगर आप मेरे सामने होते तो हम आपको भी जानते, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही पॉसिबल है कि मैं आपको बता सकूं कि मैं आपके साथ 2 साल क्या करने वाला हूं, ठीक है। बाकी जब आप हमसे रूबरू होंगे, जब आप हमारे सामने होंगे, तो हम आपको भी जानेंगे और डाउट सेशन वगैरह में हमें मौका जरूर मिलेगा एक दूसरे को जानने का, ठीक है। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट डे से आपको ओपन अप होना है, आपको टीचर के साथ जो है पूरी तरीके से कम्युनिकेट करना है, शर्माना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, हमेशा टॉकेटिव रहिए, कम्युनिकेट करते रहिए, बताते रहिए अपनी समस्याओं को, अपने जो भी क्वेरीज होते हैं वो पूरी तरीके से फ्रीली शेयर करिए हमारे साथ। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम आपको रिस्पांस नहीं देते या क्या बोलते हैं, आपने कोई डाउट पूछा तो हमने उसको नहीं बताया, ऐसा कभी भी नहीं होगा बेटा। आप बिंदास होकर के पूछिए, है ना। आप उस एज में है जहां पर आपके माइंड में बहुत ढेरों सवाल आते हैं, आप कितना भी छोटी से छोटे सवाल आप पूछ सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हम बिंदास होकर के आपको बताएंगे। आप क्वेश्चन पूछेंगे, हमें खुशी होगी, बिल्कुल। अब ऐसा मत सोचना कि हम ऐसा छोटा सवाल पूछ रहे हैं तो सर क्या सोचेंगे, नहीं। आप उस एज में हो जहां मैं ये मानता हूं कि आप जीरो हो, आपको शून्य से उठना है, शिखर तक जाना है, तो शर्माने वाली कोई भी बात है ही नहीं। ओके बच्चों, तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ पूरी तरीके से कम्युनिकेटिव रहेंगे, अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज खुल करके हमारे सामने रखेंगे और कभी भी हमसे पीछे नहीं रहेंगे, हमसे 2 कदम आगे रहेंगे लेकिन कभी पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। लेक्चर टाइम पे कंप्लीट करना है, नोट्स प्रॉपरली बनाना है, ठीक है। ये 2 बातें हमेशा गांठ बांध के रखनी है। ओके बच्चों, तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।